आज हम बनाएंगे आलू गुंडे। इसके लिए हम लोग पहले उबले हुए 5-6 आलू लेंगे। हमने आपका समय बचाने के लिए पहले से आलू उबाल कर रखे हुए हैं और इन्हें अच्छी तरह से मसल लिया है। अब हम इनको गैस चालू करेंगे और उसमें कढ़ाई में तेल डालेंगे। ये देखिए, अब हम कढ़ाई को गर्म होने के पश्चात जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा फिर उसमें हम मसाले डालेंगे। मसालों में जीरा, सौंफ, राई, मिर्च, धना, हल्दी। इस मिश्रण को अच्छी तरह सिक जाने के बाद इसमें हम सब आलू डाल देंगे। ये देखिए, फिर इनको अच्छी तरह से मिलाएंगे जिसमें सारे एक से हो जाएं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद ऊपर से इसमें गरम मसाला डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये हो गई आपकी सब्जी तैयार। अब इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए हम एक तरफ रख देंगे जब तक हम इसका घोल तैयार करेंगे। इसमें हम 2 कटोरी बेसन लेंगे और उसको पानी में मिला के गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। इसमें हम मसाले डालेंगे, मिर्ची, धना, जीरे मिला के अच्छी तरह से घोल लेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसमें हम अजवाइन डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा खाने का सोडा। अब इसको हम चम्मच या कलछली की सहायता से अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये अभी हमारा घोल तैयार है। अब हमारे आलू ठंडे हो गए होंगे। उसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। ये हमारी बॉल्स ना तो बड़ी होना चाहिए और ना ही छोटी, ये मीडियम आकार की बॉल्स तैयार करेंगे। एक एक बॉल्स की हमारी बॉल्स तैयार हो गई हैं। एक एक बॉल्स को हम बेसन में डालते जाएंगे। कढ़ाई को गर्म करेंगे। हमारा घोल ऐसा होना चाहिए कि ना तो ये पतला हो और ना ही अधिक गाढ़ा हो। फिर एक एक बॉल्स को बेसन में अच्छी तरह लपेट के गर्म कढ़ाई में तेल डालकर उसमें तलेंगे। इसके लिए हमें धीमी आंच रखना होगी जिसमें कि बॉल्स अच्छी तरह सिक जाए। ये हमारे आलू गुंडे सिक चुके हैं। इनको एक एक करके सुनहरा होने पर इनको एक एक करके प्लेट में
निकाल लेंगे। ये हमारे आलू गुंडे सिक चुके हैं। अब हम इन्हें परोस देते हैं। आलू गुंडे के साथ चटनी, दही दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने दही लिया है, दही में अपन नमक और मसाला डालकर धनिया पत्ती के साथ परोस सकते हैं। ये है आपकी चटनी और दही के साथ आलू गुंडे तैयार। ऐसे ही टेस्टी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।